शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना महामारी से बचने के लिए मनपा प्रशासन द्वारा शहर के किराना दुकानदारों को कोरोना की रोकथाम करने के लिए अनुशासन से पालन करने की हिदायत दी थी, जिसके चलते शहर के दुकानदार पूरा पालन करते नजर आए। इस बारे में पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी ये रिपोर्ट। शहर के शहीद चौक परिसर के किराना ओली दुकानदारों से की गई थी ये खास बातचीत, आइए देखते हैं। दर्शकों, इस समय में इनबीसीएन की टीम है किराना ओली में, जो कि इतवार का एक ऐसी ओली के जहां पे पूरे मध्य भारत से लोग आकर किराना यहीं से खरीदते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी सस्ता माल यहां पे मिलता है, ऐसे लोगों का कहना है। हाँ, आप देख सकते हो कि इस समय में दुकानों में भीड़ भी नज़र आ रही है, कहीं इक्का दुक्का लोग दिखाई देते हैं ग्राहक ही, तो कहीं भीड़ भाड़ भी नज़र आ रही है, क्योंकि यही वो किराना ओली है जहाँ पर प्रतिदिन लोग किराना खरीदने के लिए आते जाते रहते हैं। संकरित गलियां होने के वजह से यहाँ ट्रैफिक भी काफ़ी जाम होता है, ऐसे में जो ग्राहक आते हैं उनको किस तरह से कोरोना को लेकर क्या प्रिकॉशन, क्या एहतियात दुकानदार बरतते हैं, इसलिए अब हम आपको सीधा लेके चलते हैं एक किराना दुकानदार की और उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जनता कर्फ्यू के बाद में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कैसा कारोबार चल रहा है? लोगों की तो गर्दी बहुत बढ़ गई है, जनता कर्फ्यू के बाद लोगों की गर्दी बहुत बढ़ गई है, और अब जैसा है कि लोग है कि नहीं, जैसा आज का सामान कल लेके जा रहे हैं, जैसा आज सामान है आज लेके जा रहे हैं, गर्दी नहीं करने को ना करके दूसरे दिन आ रहे हैं, वैसा रश बहुत ज़्यादा है। दो दिन पहले के एडवांस कर रहे हो, और सब कस्टमर को हम सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद हम लिस्ट लेते हैं। तो यहाँ के 300 के आसपास लगातार किराना की दुकान है, जहाँ पे आने वाले ग्राहकों को सबसे पहले सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग भी रखा जाता है, ऐसे इन दुकानदारों का कहना है। अब थोड़ा सा पैन करके बताइए, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है ग्राहकों की भीड़ तो नज़र आ रही है, वहाँ पे छोटी संकरित गली होने के वजह से वाहन भी बड़ी संख्या में आना जाना उनका लगातार जारी है, ऐसे में भीड़ भी नज़र आ रही है। कुछ देख रहे हैं कि कुछ वाहन धारक जो है बिना हेलमेट के ही उनका आवागमन जारी है, किसी ने मास्क लगाया है तो कोई ने मास्क नहीं लगाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, अब तक के ये खबर बताए जाने तक के 83 की मौत भी कोरोना से हो चुकी है, लेकिन लोगों ने अभी भी इसको गंभीरता से नहीं लिया है। अगर इसी प्रकार का ये कामकाज चलता रहेगा तो मनपा प्रशासन को आखिरकार लॉकडाउन लगाना होगा। इस बारे में जब हमने महापौर संदीप जोशी से बात किया तो महापौर ने ये कहा था कि जहां तक के लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, ऐसे पदाधिकारियों का कहना है, क्योंकि शहर की जनता की यही मांग है, लेकिन मजबूर वश ये ऐसा ही कामकाज चलता रहे, लोग इसका अगर उल्लंघन करते रहे तो यकीनन वो दिन दूर नहीं फिर से एक बार शहर में लॉकडाउन होगा, जिसके चलते लोगों को घरों में ही रहना होगा। अब ये लोगों के ऊपर में, नागरिकों के ऊपर में निर्भर करता है कि उन्हें पालन करना है या उल्लंघन करना है, उन्हें लॉकडाउन चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि कोरोना की चेन यदि तोड़ना है तो हमें एहतियात बरतना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइज करना होगा, और सबसे बड़ी बात कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात अच्छी है कि इस किराना ओली के तमाम दुकानदार काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहे हैं कि जो सैनिटाइज सबसे पहले ग्राहकों को करवाते हैं, ग्राहकों की भीड़ न हो इसलिए ग्राहकों से जो वस्तुओं की चिट्ठी ली जाती है और उनको एक दो घंटे के बाद बुला के उनको जो वस्तुएं वो दी जाती है, इस प्रकार के वो भी कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए पूरी तरह से सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। किराना ओली से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।